नलगिरिराज महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे पास मुकुट वीर तेरे पास Thank you.
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रह हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। अभी हम लोग परिक्रमा करते करते जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं सब दर्शन करेंगे इसी तरह नंबर अभी जिस स्थान पर हम लोग आए हैं इसका नाम है परासौली। श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि ये कृष्ण के अत्यंत श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ विलास का स्थान होने के कारण इसका नाम है परासौली। कृष्ण रास लीला करते हैं, रास बहुत प्रकार का है, महारास बासंती रास शारदीय रास पंचायती रास। कृष्ण ने इस स्थान पर उसमें से बासंती रास को बासंती रास कृष्ण ने इस स्थान पर ब्रज गोपियों के साथ में बासंती रास किया जिसका वर्णन श्री जयदेव गोस्वामी जी ने गीत गोविंद में किया है। और बासंती रास हो अथवा शारदीय रास हो ये रास लीला का मूल तात्पर्य है श्रीमती राधिका की अद्भुत महिमा को जगत में प्रकाशित करना है। शारदीय रास में राधा जी को मान हुआ राधा जी रास छोड़कर चली गई और कृष्ण राधा जी को ढूंढने के लिए गए और वहां पर राधा जी की बड़ी अद्भुत महिमा प्रकाशित हुई जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। अन्याराधितो नूनं भगवान हरिश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामनियत रहा बड़ी अद्भुत महिमा प्रकाशित हुई। यहाँ कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ में बासंती रास किया, यहाँ पर भी श्रीमती राधिका को मान हुआ किंतु श्रीमती राधिका को मान होने पर जब रास भंग हो गया तो कृष्ण ने एक अद्भुत लीला प्रकाशित की। आप लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते एक स्थान पर गए होंगे पैठा, वो यही ब्रजमंडल की इसकी गिरिराज गोवर्धन की सीमा में है, यहाँ से अधिक दूर नहीं है पैठा। कृष्ण वहां पर जाकर के चतुर्भुज मूर्ति धारण करके खड़े हो गए और ब्रज गोपियां कृष्ण का अन्वेषण करते हुए कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंची। जो गोपियां श्रीमती राधिका से पहले गई उन्होंने कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, कृष्ण को प्रणाम किया कि ये हमारे आराध्य नहीं है, ये तो नारायण है, उनको प्रणाम किया और आगे चली गई। तो गुरु जी कहते थे उन गोपियों की महिमा भी कम नहीं है, वो नारायण के कृष्ण ने जो अपना नारायण रूपी ऐश्वर्य दिखाया उसको देख करके वो गोपियां मोहित नहीं हुई मुग्ध नहीं हुई, वो गोपियां नारायण को प्रणाम करके आगे चली गई। किंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमती राधिका के प्रेम की उनके प्रणय की कैसी अद्भुत महिमा है, जब श्रीमती राधिका कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आई तो राधा जी का दर्शन करने से पूर्व हुई श्रीमती राधिका के श्री अंगों से वायु चल के हवा जो बहती हुई गई और उसने कृष्ण की नासिका में प्रवेश किया। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं यस्या कदापि वसनांचल खेलन उत्थ धन्यापि धन्या पवनेन कृतार्थ मानी योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो अपी तस्या कदा वृषभानु दुशो वृषभानु भुवो दिशेपि मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूँ। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूँ जहां से वायु चल करके आती है और वो श्रीमती राधिका के श्रीमती राधिका के वस्त्र को स्पर्श करके जब कृष्ण की नासिका में वो वायु प्रवेश करती है तो कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं, ऐसी श्रीमती राधिका के प्रणय की महिमा है। तो जब राधा जी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंची तो कृष्ण अपनी चतुर्भुज मूर्ति को धारण ही नहीं कर सके और दो हाथ उनके शरीर में घुस गए जिसको कहते बैठ गए, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ पैठा।
तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण ने चेष्टा की कि मैं राधा जी के सामने कुछ ऐश्वर्य दिखलाऊंगा, किंतु राधा जी के प्रेम की ऐसी अद्भुत महिमा है कि कृष्ण की ऐश्वर्य प्रदर्शन चेष्टा पराभूत हो गई। कृष्ण हार गए, राधा जी के सामने ऐश्वर्य दिखाने की बात तो दूर है, राधा जी के श्रीअंगों से, श्रीअंग भी नहीं, राधा जी के वस्त्रों से वायु चल करके स्पर्श करके कृष्ण की नासिका में पहुंची, प्रवेश किया और कृष्ण चतुर्भुज मूर्ति धारण नहीं कर सके। ऐसी श्रीमती राधिका जी के प्रेम की अद्भुत महिमा है, इसलिए ये बासंती रास की बड़ी ही श्रेष्ठ स्थली है। हम इस भूमि को प्रणाम करेंगे। देखिए हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, कृष्ण की प्रत्येक लीला जो है, प्रत्येक लीला जब कुछ अधिकार हमारा उन्नत होगा, हम कुछ शास्त्रों में प्रवेश करेंगे और गुरु वैष्णव की कथा को कुछ हम धारण कर सकेंगे, एक ही बात को लक्ष्य करेंगे, एक ही बात को, कृष्ण का मथुरा जाना, द्वारका जाना, रासलीला करना, ब्रज में प्रत्येक लीला कृष्ण की केवल ब्रजवासियों की महिमा को जगत में प्रकाशित करने के लिए होती है, उसमें भी ब्रजगोपी और उसमें भी विशेष करके श्रीमती राधिका। कृष्ण शारदीय रास करते हैं, पहले राधा जी को मान हुआ और रास छोड़ करके राधा जी चली गई, कृष्ण राधा जी को ढूंढ रहे जाते हैं, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि 100 करोड़ गोपियां हैं, किंतु 100 करोड़ गोपियां भी राधा जी जब मान छोड़ करके चली गई तो रास को संपादित नहीं कर सकी, कृष्ण के मन को बांध के नहीं रख सकी, कृष्ण चले गए राधा जी को ढूंढ रहे। तो कृष्ण ने पहली बार जब राधा जी छोड़ करके गई रास को, तो कृष्ण ने सारी गोपियों के सामने राधा जी की महिमा दिखला दी कि जब तक राधा जी हैं साथ में तभी तक रास है, अर्थात राधा जी के मिलन की महिमा को कृष्ण ने जगत में प्रकाशित कर दिया सारी गोपियों के सामने। राधा जी रास छोड़कर गई, रास भंग हो गया। किंतु एक बड़ा सुंदर बात चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जब राधा जी के साथ में कृष्ण मिले और राधा जी ने कृष्ण से कहा कि मैं थक गई हूं, अब आगे नहीं चल सकती, मुझको अपने कंधे पर बिठा लो, तो कृष्ण बैठे, राधा जी जैसे ही उनके कंधे पर चढ़ने के लिए उठी, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, तो राधा जी विलाप करते करते हा नाथ हा रमण क्वासी भुज काशी महाभुज इत्यादि, जो राधा जी बड़े विरह में विलाप करने लगी, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पहले तो कृष्ण राधा जी को लेकर के साथ में चले गए, राधा जी की महिमा ब्रज गोपियों के सामने प्रकाशित कर दी, अब राधा जी को भी छोड़ करके क्यों चले गए, अब राधा जी को भी छोड़ करके क्यों चले गए। तो चक्रवर्ती पाठ टीका में बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि पहले बार जब कृष्ण राधा जी को लेकर गए, ब्रज गोपियों को छोड़कर गए, तो राधा जी की जो मिलन की महिमा है उसको प्रकाशित किया, और जब दूसरी बार छोड़ करके गए तो राधा जी के विरह की क्या महिमा है, कृष्ण ने सारी गोपियों के सामने इसको प्रकाशित किया कि अन्य अन्य समस्त गोपियों को विरह हो रहा है कृष्ण से, किंतु उनका विरह कैसा है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं एक दीपक के समान, किंतु राधा जी का विरह कैसा है, दावा नल के समान। अन्य अन्य समस्त गोपियों का विरह है दीपक के समान, किंतु राधा जी का विरह है दावा नल के समान। राधा जी के विरह की कैसी महिमा है इसको प्रकाशित करने के लिए कृष्ण राधा जी को भी छोड़कर गए, वास्तव में छोड़कर गए नहीं, गए समस्त गोपियों के सामने राधा जी की अद्भुत महिमा कृष्ण ने प्रकाशित की। इसलिए प्रत्येक लीला में, विशेषकर ये सर्वोत्तम जो रासलीला है, इसमें भी श्रीमती राधिका की अद्भुत महिमा ही सारे जगत में, ब्रज गोपियों में, ब्रजवासियों में भी कृष्ण ने प्रकाशित किया। ये बड़ा अद्भुत स्थान है, हम इस स्थान को प्रणाम करेंगे, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, ये लीला इत्यादि कुछ हमारे हृदय में भी स्फुरित हो जाए। गौर प्रेमानंद हरि हरि। अज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द अद्वैत गदाधर सुभासदि श्रीगौरभक्तवृन्द, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव का अनुत्तरे हमें मनासी की कौन परिक्रमा कर जाए, गिरिराज की परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा करके आम जो स्थान बसीचे तर नाम है पुंचरिका लोटा, प्रभु जी कहते हैं से स्थान का नाम परासौरी, नाम
अब इमेज पार करके आसने पार करके आसने ना दीटा गाड़िया थी ताना गोटे गाड़िया ना थी नोबल गुण आउ गोटे नाम थी अवसर गुण आज जो पार करके आसने से स्थान ना ना पुंछरी का लोटा पुंछरी का लोटा कहीं ना है जी ऊपर जो देखिए छात पर चढ़ी कि बहुत ऊपर जो देखिए गिरिराज महाराज आप जब संपूर्ण परिक्रमा करेंगे जापरेंगे गिरिराज महाराज जदिबी पथर रूप से अच्छा देखा पथर पहाड़ भाया कि सी पहाड़ नुहत पहाड़ पथर भाई मानवे बुझे ना से कारण से भगवान कृष्ण अभिन्न गिरिराज महाराज तेणुक गिरिराज महाराज जो परिक्रमा करेंगे आसवे भी कौ पथर पथर पर गोड़ भी पकड़े सैड्रे चलिए जो जी छात्र ऊपर जाए देखिए तेल से जो गिरिराज केम देखा मयूर भाया देखा ऊपर जाए देखिए गिरिराज स्वरूप देखा मयूर भाया ना गाई भाई देखा आ ये स्थान आम आस स्थान केम देखा गिरिराज जो गाई गाई लाज है ना लाज भाया देखा ना मयूर लाज भाया देखा से लाज को हिंदी कहते पोछ बुझेगा तेरी आना है पोछरी लोटा कौन पाई लोटा कृष्ण आम सब शुणचे कृष्ण जो वृंदावन छाड़ी मथुरा गले सब वृंदावनवासी सब कृष्ण को विरहरे कृष्ण को रोकवाई जाते हैं अग्र लेकिन गले रथ रोकिले किसी लोक कृष्ण को सखा मैंने कृष्णकर जो गोपी मैंने राधाराणी ललिता विशाखा से कृष्ण को रोकवाई आसते केत आसते उद्धव क्यारी पर्यटन आसते कि कृष्ण जो सखा थे नाम थे लोटा सी यही पर्यटन आसते कृष्ण को पचे पचे धाई नहीं जिते आम घर लोक जन किए जा बहुत मन दुख पचे पचे गोड़े गोड़े जाऊना तेनाली कृष्ण को जो अक्र नहीं पलैले मथुरा कृष्ण जो सखा थे लोटा सी यही पर्यटन आसते तेनाली ना अनुसार ये ना लोटा तापर गिरिराज महाराज जो परिक्रमा करती ये स्थाना जोटा परिक्रमा करके आस दुटा गाड़िया थी सीटा गोटे लाज भाया मयूर लाज भाया तेनालीराम पुछ पुछरिका लोटा तापर से जो दुटार कुंड आम देखने से कुंड दुटा गोटे ना नवल कुंड गोटे ना अप्सरा कुंड अप्सरा जानते ना अप्सरा अप्सरा अर्थात किए बड़ सुंदरी तेणुक राधाराणी आ गए ना अप्सरा राधाराणी बहुत सुंदरी तेणुक राधाराणी ना अनुसार गोटे कुंड कराई ना अप्सरा कुंड आउ गोटे कुंड कराई नवल कुंड अर्थात नवल किशोर नवल किशोर किए से कृष्ण नवल किशोर मान किए सब किशोर अवस्था रुहति सी है कृष्ण कृष्ण ना अनुसार कराई नवल कुंड गोटे कुंड है नवल कुंड आउ गोटे कुंड है अवसरा कुंड ये जो कुंडर जो पानी से प्रणाम कले ना प्रणाम करके आचमन कले कुंडर जो पानी ये साधारण पानी नुहे गाड़ी आम घर गाड़िया जो पानी आउ ब्रजर जो धूली आम आसने ब्रजर धूली आम घर धूली भाया नुह क्योंकि कहीं मनुष्य लोग कहते ना घर जब भाव घर जो भी धूली मटी अच्छी ये भी घर ये धूली मटी गचपतर ये कौन लाभ तर आस ना ये वृंदावन धाम आम गुरुदेव कहते से जो जिते पानी कुंडे जो पानी अच्छी से साक्षात राधाराणी कृष्णकर द्रव्यभूत हो गए जो जल से पाटा को कुंडे रखाई तेणुक से पा को आचरण करके मुंडिया मानने कौन हम बहुत लाभ हम बुझे ना तापर ये स्थान आम आज बसचे आना परासमी कृष्णकर रास लीला प्रभु जी कहते ना कृष्णकर रास लीला ये ना रास स्थगी तापर ये आउ गए आम गुरुवर्ग जन थे ना राघव पंडित सी ये भजन करते गोटे गुफा आम आगे गले देखा राघव पंडित गुफा ये सब स्थान ये अच्छे गिरिराज महाराज तेल गिरिराज जो परिक्रमा कर गोटे विषय ध्यान रखिए जे वृंदावन गच्छ पत्र पथर बाली ए सब साधारण नुहत बुझे ना कहते ब्रह्माजी कहले ब्रह्माजी जानते ना ब्रह्मा कौन कहले वृंदावन में गोटे गोटे धूली कणा चिता मनीष तो सामान गोटे गोटे गच्छ कल्प वृक्ष सहित सामान आ प्रत्येक गाई काम दे गाई सहित सामान बुझे ना तेणुक ये साधारण स्थान जो जो स्थान को आसटी प्रणाम करेंगे से धूली की नहीं मुंडे लगे जो स्थान में मुंडिया मारे माले कौन हम बहुत मंगल हम बुझे ना तेणुक आम ये स्थान को आसे ये स्थान में प्रणाम करवा ये धूली को शरीर लगे दे हरि हरि बोल चल तो कीर्तन कर चल कीर्तन कर गुड़िया मारन तो गुड़िया मारन हां कैसे गोटे गोटे